हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टू मॉरल साइंस चैप्टर नंबर 11, डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड का मतलब होता है डरना मत। एंड वैल्यू फ्रॉम द चैप्टर इज करेज। करेज का मतलब है हिम्मत, साहस। तो ये चैप्टर पढ़कर हम सीखेंगे कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हमेशा हिम्मत और साहस के साथ काम लेना चाहिए। लेट अस बिगिन इट। Begin your class with a prayer। अपने क्लास की शुरुआत प्रेयर या प्रार्थना के साथ करना। प्रार्थना करने से क्या होता है, हमें भगवान पर विश्वास होता है कि वो हमारे साथ हैं और हम फिर किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। Ask God to make you brave and courageous। प्रेयर में हमें भगवान से ये मांगना है कि वो हमें brave and courageous मतलब हिम्मती साहसी बनाए, जो निडर हो, किसी से डरता ना हो। गॉड इज़ एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। इसीलिए आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन देन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ सम और द अदर थिंग। फिर भी कुछ बच्चे किसी न किसी चीज़ से डरते ही हैं। सम फील स्केयर्ड इन डार्क। सम आर स्केयर्ड ऑफ द एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। कुछ बच्चे डार्क या अंधेरे से डरते हैं, कुछ बच्चे एनिमल्स यानी जानवरों से या इंसेक्ट्स से भी डरते हैं। सम आर स्केयर्ड ऑफ द क्राउडेड प्लेसेस एंड सम फील स्केयर्ड व्हेन दे आर ऑल अलोन। कुछ बच्चे भीड़ वाली जगह से डरते हैं तो कुछ बच्चे अकेले रहने से भी डरते हैं। सम चिल्ड्रेन आर स्केयर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो चीज़ों को पहली बार करने से डरते हैं। सच एज स्केयर्ड ऑफ राइडिंग अ बाईसाइकिल, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड इवन गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बच्चे किस किस चीज़ से डरते हैं, जब वो पहली बार साइकिल चलाते हैं, स्विमिंग या तैरते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम स्कूल जाने से भी बच्चे डरते हैं। सो वॉट कैन वी डू टू ओवरकम दीज फियर्स। तो अब हम ऐसे डर पे काबू पाने के लिए क्या कर सकते हैं। वन वे टू ओवरकम देम इज़ टू आस्क समवन टू फर्स्ट शो यू हाउ टू डू इट। तो इसका एक तरीका ये है कि हम किसी को ये कहें कि भाई ये चीज़ होता कैसे है, हम किसी चीज़ को करने से पहले दूसरों से सीख लें। आफ्टर दिस ट्राई इट योरसेल्फ एंड डू इट अगेन एंड अगेन। और जब हम दूसरों से सीख लें तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे खुद से करें, एक बार नहीं बार बार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से या बार बार किसी चीज़ को दोहराने से हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सब कुछ पूरी तरह से जान जाना। द मोर यू प्रैक्टिस द लेस अफ्रेड यू विल बी। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम डरेंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्लान टू लर्न अ न्यू थिंग टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक ऑफ गॉड एंड देन बिगिन योर वर्क। तो अगली बार जब आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करें तो क्या करना है, सबसे पहले एक डीप ब्रेथ, तो गहरी सांस लें, भगवान को याद करें और फिर अपना काम शुरू करें। यू विल फील बेटर एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा करने से आपको अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे, अपने आप में एक विश्वास जगेगा कि हाँ मुझे तो ये आता है और मैं आसानी से ये कर सकता या कर सकती हूँ। हियर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट लर्निंग टू बी ब्रेव। तो हमारे पास एक छोटी सी कहानी है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम ब्रेव बन सकते हैं। ये कहानी है लिटिल बर्डी ग्रोज अप, छोटी सी चिड़िया जो बड़ी हो जाती है। वन फाइन मॉर्निंग सम बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो एक बहुत ही सुहानी सी सुबह थी और सारी चिड़ियाँ जो हैं, सारी बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। ऑल ऑफ देम वर एंजॉइंग देमसेल्फ। वो सभी बहुत मज़े कर रही थी उड़ते हुए। देयर वॉज अ लिटिल बर्डी सिटिंग ऑन अ ट्री विथ इट्स मदर। और वहीं पे एक छोटी सी बर्डी यानी
उस बर्ड की बच्ची, एक छोटी सी चिड़िया थी जो छोटी थी अभी एज में, और वो एक पेड़ पर बैठ के अपनी मदर को देख रही थी, मदर के साथ ही बैठी हुई थी और ये सारी चीज़ें देख रही थी कि कैसे बर्ड्स उड़ रही हैं। इट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसे डर लग रहा था उड़ने से। इट सेड आई कैन नेवर फ्लाई लाइक द अदर बर्ड्स, और वो अपनी मदर से कहती है कि मैं तो इन चिड़ियों की तरह कभी नहीं उड़ सकती। इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई आई विल फॉल डाउन, अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। मदर बर्ड हर्ड व्हाट द बेबी बर्ड वॉज सेइंग, तो मदर बर्ड ने सुन लिया कि ये बेबी बर्ड क्या कह रही थी। शी सेड कम माई चाइल्ड आई विल टीच यू फ्लाइंग, और फिर मदर बर्ड ने कहा कि चलो मेरी बच्ची मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। नो आई विल फॉल डाउन सेड द बेबी बर्ड, अब बेबी बर्ड तो इतनी डरी हुई थी वो अपनी मदर से कहती नहीं नहीं मैं नहीं चाहूँगी, नहीं तो मैं गिर जाऊँगी। नो यू विल नॉट कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू फ्लाई सेड द मदर, तभी मदर बर्ड ने कहा नहीं तुम नहीं गिरोगी, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे उड़ते हैं। नो लेट मी वॉच यू फ्लाइंग सेड लिटिल बर्डी, तो लिटिल बर्ड ने मैं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पहले आप ही उड़िए, मैं बस देखूँगी कि आप कैसे उड़ती हैं। सो द मदर बर्ड रोज हाई अप इन द स्काई, अब मदर बर्ड जो है आकाश में पूरी ऊंचाई तक उड़ने लगी। शी सॉ हर नर्वस बेबी सिटिंग ऑन द ट्री, और वहाँ से मदर बर्ड ने देखा कि उनकी जो बेबी बर्ड है ना वो बिल्कुल नर्वस मतलब घबराई हुई पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। शी रिमेम्बर्ड द टाइम व्हेन शी वॉज यंग एंड हाउ हर मदर हेल्प्ड हर टू फ्लाई, और फिर मदर बर्ड को ये याद आता है कि कैसे एक समय था जब वो भी छोटी सी चिड़िया थी और उसने अपनी मदर से सीखा था कि कैसे उड़ा जाता है। शी केम डाउन एंड सेड टू द लिटिल बर्डी कम माई चाइल्ड होल्ड माई टेल एंड आई विल टीच यू हाउ टू फ्लाई, बिलीव मी यू विल नॉट फॉल डाउन। तो अब मदर बर्ड अपनी बच्ची के पास आती है और कहती है लिटिल बर्डी चलो बच्चे मेरे साथ चलो, मेरी पूंछ को पकड़ लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उड़ते कैसे हैं, और मुझ पे विश्वास रखो कि तुम नहीं गिरोगी। सो द बेबी बर्ड हेल्ड इट्स मदर्स टेल, तो अब बेबी बर्ड जो है इस चीज़ के लिए तैयार हो गई और वो अपनी मदर के टेल या पूंछ को पकड़ ली। दे फ्लू हायर एंड हायर इन द स्काई, अब वो स्काई में ऊँचे ऊँचे तक उड़ने लग गए। द लिटल बर्ड वॉज वेरी हैप्पी, अब वो जो छोटी सी चिड़िया थी ना वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो भी अपनी मदर के साथ हवा में उड़ रही थी। इट वॉज इंजॉइंग इन द स्काई, उसे आकाश में उड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। सडनली द मदर बर्ड गिव अ जर्क, अचानक मदर बर्ड ने एक जर्क या झटका दिया। द लिटल बर्ड हैड टू लीव इट्स मदर टेल, और उस झटके के कारण छोटी सी बर्ड को अपनी मदर का टेल छोड़ना पड़ गया। इट वॉज सरप्राइज बिकॉज इट डिड नॉट फॉल डाउन, और ये बच्ची तो बिल्कुल चौंक गई क्योंकि लिटिल बर्डी नीचे नहीं गिरी। इंस्टीड इट बिगैन टू फ्लाई, और उसकी जगह ये तो अब खुद से उड़ रही थी। ओह आई एम फ्लाइंग आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मैं कहती अरे मुझे तो डर भी नहीं लग रहा मैं तो उड़ रही हूँ। आई हैव ग्रोन अप नाउ, सेइंग दिस इट बिगेन टू फ्लाई इवन हायर इन द स्काई, और ऐसा कहते हुए वो और भी ऊपर जाकर आसमान में उड़ने लग गई। तो देखते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है नेवर बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें किसी भी चीज़ को पहली बार करने से डरना नहीं चाहिए।